बोले भाई उस काम मेरा कहीं करा है इन लोग ने यार, एकदम सीवेज पे कैसे लगा दिया समझ में नहीं आ रहा। देखो कैसे सुखा रहे हैं मच्छी को, अरे बम्बू पे भी सुखा रहे हैं। स्वागत है गाइज आप सभी का एक नए वीडियो में, और आज हम आ चुके हैं वर्सोवा कोलीवाड़ा एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। सो वीडियो में आखिर तक बने रहना और वीडियो देखना। धूप हो रही है, दोपहर के 3 बज रहे, धूप एकदम खचाखच हो रही है, लेकिन हम उन वीडियो बनाने आ चुके हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हो जो स्लम एरिया, उसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे, और पीछे समंदर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, यह है वर्सोवा सी फेस, वर्सोवा बीच, और ठीक यहाँ पे राइट साइड में आप देख पा रहे हो बीच से सटी हुई स्लम एरिया। जी हाँ, ये पूरा स्लम एरिया है। यहाँ से मैं आया फ्रंट साइड से, और अभी हम इस तरफ जाएंगे बीच के किनारे किनारे में चल के देखूँगा इस्लाम एरिया कितने दूरी तक है। और आगे ये लोग जो जहाँ पे बोट पार्क करते हैं ना कोली लोग, जो मच्छी पकड़ते हैं, तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। यार धूप तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो निकलते गाइस यहाँ से आगे, तो देख रहे हो आप बोट कैसा नचा रहा है पानी में। ओ माइंड ब्लोइंग भाई, ये ले रहा है फुल मज़े, स्पीड बोट है ये। और हमको निकलना है यहाँ से, मैं जाके देखूँगा राइट साइड की तरफ। तो अपन चलते हैं राइट में, राइट का क्या नज़ारा है अपन देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तो बढ़िया है भाई, लाइट का जैकेट भी है, जैसे टांग रखे और स्पीड बोट यहाँ पे राइट सो भी यहाँ पे। लेकिन हम ये तो नहीं करने आए, मुझे जाना है। ओ भाई देख रहे नहीं इसलिए मेरे पूरा आगे तक। ओ यार एकदम सी फेस पे कटा हुआ है यार, ये तो देख रहा ना ये पूरा। एक नॉइज भी आ रहा होगा, लेकिन चलते इस तरफ जाएंगे अपन, चल चल के सीधा है ना जाते रहूँगा मैं, देखते हैं कहाँ तक अपन को लेके जाता है और कहाँ से निकल सकते हैं। सब पानी में मज़े कर रहे हैं, हम आए यहाँ पे इस्लाम एरिया शूट कर रहे हैं। चलते ये देख रहे हो गाइस रॉक पूरे गड़ चुके हैं, ये तो लेन में पूरे गड़ गए। और भाई ये स्लम एरिया देख रहे हैं इन लोग ने यार, एकदम सीवेज पे कैसे लगा दिया समझ में नहीं आ रहा है। चलो सीधे सीधे चलते रहते, इसी को किनारे करते हैं। देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में अपने समुंदर वर्सोवा बीच, और राइट में है ये स्लम एरिया जो अपन बाहर की तरफ से एक्सप्लोर कर रहे हैं। अंदर जाऊंगा तो वही सेम गलियां लगेगी, इसलिए यहाँ से जाते और बोट्स वो लोग कहाँ पे पार्क करते हैं वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे। ये आ गए अपने चुन्नू मुन्नू। ओ माय डॉगीज, इस पत्थरों की फॉर्मेशन देख रहे हो, कुछ अलग सही है ना, फैला के रखे हैं आप ही किसी ने। और राइट में देखना आप, और इन लोगों ने घर जिस हिसाब से बनाया ना, देख रहे हो आप नीचे इन लोग ने जो बेस बनाया ना बम्बू का, तो मेरे कहते पानी जब बढ़ जाता होगा ना उसके हिसाब से बनाया लोग ने, कि पानी का लेवल अगर बढ़ जाता है तब भी ये लोग मतलब उसमें सरवाइव कर सके। ओ भाई ऐसे ही कुछ बनाया यार, दिख रहा है आपको, देखो नीचे जूम करता हूँ, नीचे बम्बू का बेस बनाया, उसके ऊपर घर बनाया है लोग ने। और ये दूर दूर तक है, कहाँ तक है पता नहीं, जाके देखते जाएंगे सीधे सीधे। भाई मुंबई में जहाँ पे भी जाता हूँ ना एक अनोखा नज़ारा ही देखने मिलता है, थोड़ा करीब से निकलते अपन, मतलब अच्छे से देखने मिलेगा। देख रहे हो पन्नियों के घर बनाए हुए, खास कुछ पक्के ऐसे घर है नहीं।
जैसे हर स्लम एरिया में नहीं होते, थोड़े कॉन्क्रीट के घर होते, थोड़े पन्नी के होते, यहाँ पे तो फुल ऑन मतलब टेम्परेरी टाइप ही लग रहे। ये लोग यहाँ पे टेम्परेरी रहते होंगे या फिर पता नहीं। यहाँ तो देखो भाई फुल पन्नी गई है, तो मतलब है ही नहीं, पानी जब भर जाता होगा ना ये लोग भाग जाते होंगे यहाँ से। बारिश में मुझे नहीं लगता ये लोग यहाँ पे रहते होंगे, रहते भी होंगे अपने को पता नहीं। ये बेस लोग ने किस हिसाब से बनाया, पानी का लेवल बढ़ता होगा ना, वो हिसाब से ही बनाया होगा। और ज़्यादातर मैंने सुना है कि वर्षों हुआ कोलीवाड़ा में कोली लोग ही रहते जो मच्छियाँ पकड़ते, तो लेकिन ठीक सी फेस के सामने अगर बनाना बाइट्स नॉट अ जोक। हाँ, BMC इनको कभी भी हटा सकती है। हम लोगों ने कौन सा स्लम एरिया कवर नहीं किया, बैंड्रा वाला, कुरला वाला, जरीमरी वाला, खैरानी रोड वाला, कहाँ कहाँ नहीं गया मैं। लेकिन जब भी कोई नई जगह पर जाता हूँ ना यार कुछ अनोखा ही देखने मिलता है। मुझे लगता है आपको भी वीडियो में कुछ अनोखा ही देखने मिलता है। स्लम एरियाज़ की कोई कमी है ही नहीं मुंबई में। अब सी फेस पे क्या रेट चल रहा है प्रॉपर्टीज़ का आपको तो पता ही है, और वहाँ पे अगर स्लम एरिया है तो भाई सोचने वाली बात है कि नहीं। हम सीधा वहाँ से चल पड़े थे, देख रहे हो हार्डली 15 मिनट्स में चल के आया हूँ। यहाँ पे लोग आराम से रह रहे और शाम को लोग सी फेस के मज़े भी ले रहे होंगे। ऐसा कुछ समुंदर यहाँ से दिखता है पूरा, वाओ वेरी नाइस व्यू है। और ये स्लम एरिया जब ये लोग सुबह उठते होंगे तो जो भाई लोग करोड़ों इन्वेस्ट करके फ्लैट ले रहे सी फेस की तरह, और ये लोग ने बनाई है झुग्गी झोपड़िया। सुबह सुबह उठ के यहीं पे आते रहेंगे, मस्त नज़ारे और शाम के टाइम भी। और आगे देख रहे हो आगे बोट पार्क है छोटी मोटी, ये बोट ये लोग लेके उतरते होंगे मच्छी पकड़ने या फिर मॉर्निंग टाइम में। पता नहीं अब इसका यूज़ कैसे होता है, इन्हीं को पता होगा। एक तो काम के हिसाब से होता होगा, काम के हिसाब से होता होगा, टहलने तो नहीं लेते लेके जाते होगे ना लोग, क्योंकि बोट्स तो इन लोगों का कोई अलग एरिया होगा मच्छी पकड़ने का। ये बीच देख रहे हो ना कितने दूर तक जा रहा है, तो अपन पूरा राउंड है ना वहाँ तक मैं जाने की कोशिश करूँगा जितना दिख रहा है अपने को। और इसकी गलियों में तो नहीं जाऊंगा मैं, इसलिए मैं आपको बार बार से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा दिख रहा है ना, क्योंकि गलियों में जाऊंगा ना, देख रहे हो आप गलियाँ तो सेम ही आप जैसे देख रहे हो अपने मतलब मेरे के वीडियोस में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत अलग अलग रहा है मुझे भी। ये सी फेस से सटा हुआ है और यहाँ पे जो पत्थर है ना इसके फॉर्मेशन देख रहा है सेम मरीन ड्राइव में भी है। ये यहाँ पे लाके रखे होंगे, अब क्यों लाके रखे अपने को पता नहीं, आधे तो गड़ चुके हैं रेत में और आधे बाहर है। इसका स्ट्रक्चर मेरे को अनोखा लगा, जैसे मरीन ड्राइव में काफ़ी सारे, और ये स्लम एरिया भी मुझे अनोखा ही लगा। अब यहाँ पे रेंट क्या होगा अपने को पता नहीं, लेकिन ऐसी जगह पे एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि तुम सी फेस के सामने रहने का मज़ा ले सकते हो सस्ते में। जहाँ पे फ्लैट मिल रहा है करोड़ों में, रेंट पे भी आओगे तो 30-35 के नीचे तो रेंट होगा नहीं इस एरिया में, और जहाँ पे स्लम एरिया बना हुआ है यहाँ पे आप कम पैसे में रह सकते हो। एक हफ्ते का एक महीने का एक्सपीरियंस लेना है यहाँ पे आप रह सकते हैं मेरे ख्याल से, दिस इज़ माई ओपिनियन, बट पता नहीं कितना सही लगेगा यहाँ पे। केवल सी फेस के मज़े लेने के लिए यहाँ पे रहना उचित होगा या नहीं होगा अपने को नहीं पता। चलो आगे जाके देखता हूँ ऐसा कुछ यहाँ पे। ओ भाई क्रॉसिंग आ गई, यहाँ तो बह गया पूरा, देख रहे हो नाला ही बन गया है और कचरा भी देखो वहाँ दोस्तों, कचरा देख लो जितना भी स्लम एरिया ना वहाँ पे आपको ऐसा कचरा दिखेगा। और ये थोड़ा डेमोलिश टाइप जिसको अपन करते क्रॉस, क्रॉस करते और उस तरफ जाता हूँ। तो भाई कहाँ से जाऊँ, मेरे पैर वर ना धस जाए मेरा अंदर। पैर ना धस जाए। ओ भाई अपना हो गया कांड, ये देख रहे हो यहाँ से स्लिप हो गया, गिरा मैंने इसे, ये देखो यहाँ से स्लिप हो गया, गिरा हूँ। खैर जो भी है चलते आगे, चलते रहते आगे। विंड नॉइज़ भी आ रहा होगा गाइस, तो विंड नॉइज़ के लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी सी फेस की तरफ हूँ तो विंड नॉइज़ तो आएगा ही थोड़ा बहुत, फिर भी आईफोन इज परफॉर्मिंग गुड। वो आगे बोट के पास, ऐसी कुछ बोट होती है इन लोग की, देख रहे हो ना मच्छी पकड़ने की बोट, सही है यार। ये यहाँ पे भी एक रखी हुई है, रस्से से बांधी हुई है इसमें,
नाइस, कुछ अलग सा लग रहा है, लेकिन सिटी के अंदर वाला स्लम एरिया और ये सी फेस वाला स्लम एरिया थोड़ा अलग लग रहा है, मतलब फीलिंग अलग आ रही है, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही है, फीलिंग अलग आ रही है। वह अच्छा खासा लंबा था, ये 15 मिनट का स्ट्रेच है जो पूरा ये लोग ने सी फेस कवर कर रखा है। अब बीएमसी इसमें क्या करती है, बीएमसी का क्या रोल है अपने को नहीं पता, इनके कितने घर पक्के हैं, कितने इलीगल है, लीगल है, आई डोंट नो बट ऐसा कुछ अपन वीडियो बनाने आए थे यहाँ पे। ये है वर्सोवा स्लम एरिया नियर बाय वर्सोवा बीच। ओके गाइस एंड डॉगी, ओ भाई एकदम मेरे पैर के पास आ गया, तो डर गया मैं, उस तरफ शूट करो, एकदम पैर के पास आ गया। अबे जो जो काटेगा मुझे। गाइस जैसे कि देख रहे हो ना आप वीडियो में, वर्सोवा स्लम एरिया अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये जो पूरा स्ट्रेच था ये पीछे वाला स्लम एरिया का, जो हमने वहाँ से वॉक करते हुए यहाँ तक अपन आए, और इससे थोड़ा आगे जाने की मैं कोशिश करूँगा जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है। हमने तो नहीं करती लेकिन हम जाएंगे वहाँ पे, वहाँ पे और क्या कुछ देखने मिलता है मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में, 15 मिनट के वीडियो में जो मैं आपको कवर करके दिखा सकता हूँ मैं कोशिश जरूर करूँगा। पिछले वीडियो में आपने काफ़ी सपोर्ट किया था, वैसे इस वीडियो को भी सपोर्ट करना। ये भी कुछ स्लम एरिया अनोखा सा ही है, जैसे कि आप देख रहे हो स्लम एरिया है, जैसे कि ये स्लम एरिया सी फेस से एकदम सटा हुआ है। तो चलते फिर और आगे, लेट्स गो। ये उस स्लम एरिया का एंड पॉइंट है, मतलब इसके आगे घर नहीं है, इसके आगे देख रहे हैं आप वॉल है, और जो अलग फॉर्मेशन वाले रॉक्स अपने बोल रहे थे वो वाले रॉक्स है, और इस सीधी लाइन यहाँ पे जा रही है ना, आगे एक्टिविटी हो रही है, वहाँ तक मैं जाके देखता हूँ अपन क्या कुछ देख सकते। और पीछे आप देख रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी है यहाँ पे, ये भी देखो स्लम एरिया सी फेस में लगा हुआ है, और पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, एक अलोखा नज़ारा, ऐसा नज़ारा मुंबई में भी देखने मिलेगा। सो चलो चलते और आगे। तो ऐसा कुछ है गाइस, यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़क है नहीं, घोड़े भी हैं यहाँ पे, और ये उसी बीच पे हम लोग सीधा सीधा चल के आए आगे, वहाँ से हम लोग चल के आए, इसलिए मेरे आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से हम चल के आए इस तरफ राइट की तरफ, और ये बहुत आगे जाता है, लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता है कि नहीं पता नहीं, ये भी देखते। और यहाँ पे लोग ले रहे फुल ऑन एक्टिविटी का मज़ा, तो चलता हूँ मैं यहाँ से पास होता हूँ, क्योंकि मैं ये सब तो नहीं करने आया, और आगे जाके देखता हूँ मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ वीडियो में। पूरा वहाँ से हम वॉक करते करते एंड वाले छोर पे आ चुके हैं, इस बीच का ये एंड पॉइंट है, और थोड़ा सा ही बाकी, और थोड़ा मैं आगे जाऊँगा। ये बोट देख रहे हो आप कितनी सारी है, और इस सामने का नज़ारा कुछ ऐसा संभाई, पूरा सी फेस। तो अपन पहुँच गए और करीब, देख रहे हो अब यहाँ से नज़ारा, और यहाँ पे मच्छी सुखा रहे, इसको क्या बोलते हैं, झींगा बम्बिल जो भी बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा सुखा रहे नीचे सरफेस पे डाल के। भाई ये तो कुछ अनोखी चीज़ देख रहा हूँ मैं, देखो कैसे सुखा रहे मच्छी को, और बम्बू पे भी सुखा रहे, ओह माय गॉड, सुखा रहे हो क्या मच्छी को, चाहिए सुखाते इसे भाई मच्छी को। ये देख रहे हो पर एंड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे बम्बू पे ना मच्छी सुखा रहे, ऐसा सरफेस पे भी डाल के नीचे, और ये इस मच्छी का नाम भी पता मुझे, बम्बिल समथिंग बोलते इसको, ये तो दूर दूर तक है भाई, तो दूर दूर तक यार। ये एंड पॉइंट यार, ये तो यहाँ पे आने का अलग चीज़ देखने मिली मुझे मच्छी सुखाने का, और यहाँ पे भी कुछ, ये देखो लंबी फिश है, और ये कौन सी फिश है इसका नाम पता नहीं गाइस, मैं भी फिश ज़्यादा खाता नहीं हूँ, तो अपने को भी पूरा नॉलेज है ही नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन मैं देना नहीं चाहता,
तो ये वर्सोवा बीच में हम लोग आए थे और देखो यहाँ से फिर से स्लम एरिया स्टार्ट हो जाता है, देख रहे हो। ये जो मैंने दूर से आपको दिखाया था सारी बोट खड़ी ना इन लोगों की मच्छी पकड़ने के लिए, देखो छोटी छोटी डोंगी बोट बोल सकते हैं आप इसको, जो सबसे छोटी होती है ना, देखिए इसमें दो लोग तीन लोग बैठ के मच्छी पकड़ रहे हैं। और ये दूर तक फैला है मेरे ख्याल से, देखो यहाँ पे ना दूर दूर मच्छी सुखा रहे लोग ऐसे स्टाइल से कुछ बम्बू पे टांग के। ये सही चीज़ देखने मिली यार अपने लोग। और ये फिर सीधा ऐसे जाके फिर से स्लम एरिया स्टार्ट हो जाता है, देख रहे हो पीछे कितने। तो हम एंड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, मतलब यहाँ से सर लेफ्ट लेके अपन सीधा जाएंगे वो देखो वहाँ पे उस बीच की तरफ, ये एंड पॉइंट है। चलो फिर चलते हैं अभी यहाँ पे आगे। तो और बीच में दूसरा पैच था, बिल्डिंगें भी थी लेकिन हमने वो कवर नहीं किया। और ये पूरा स्लम एरिया फिर से स्टार्ट हो जाता है और लेफ्ट साइड में बीच। ऑसम यार, ऐसा कुछ अलग सा देखने मिलेगा ना तो मुझे भी एक नया एक्सपीरियंस आ जाता है और मुझे आपको वीडियो में प्रेजेंट करने भी अच्छा लगता है कि चलो भाई कुछ अलग देख रहे हैं हम लोग। और ये जितने भी ना यहाँ पे मच्छी की महक इतनी महक रही है ना, गन तो नहीं बोल सकता मैं, अभी खाते बहुत लोग तो मच्छी की स्मेल महक रही है। और ये सब है ना जितने मच्छी वालों के घर हैं मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ पे ये लोग ही रहेंगे और कौन रहेगा मच्छी वाले। ये देख रहे हो, देखो जाला भी है इसमें, जाला रखा हुआ है, उसमें भी जाला रखा हुआ है ना मच्छी पकड़ने का। और यहाँ पे ऊपर भी बोट्स ला के रखी, तो ये लोग सुबह जाते होंगे मच्छी पकड़ने के लिए, इनका जो भी टाइम रहेगा अर्ली मॉर्निंग नाइट पता नहीं अपने को, जो भी है ऐसा कुछ है। यहाँ पे लोग बैठे, ये लोग भी देखो है ना। और ये यहाँ से प्रॉपर दिख रहा है, ये यहाँ पे रहने वालों की बोट है, देखिए राइट ने करीब रखी। तो देखता हूँ थोड़ा और नीचे जाके बीच की तरफ, चलो चलते हैं। ऐसे कुछ यहाँ से मैं आया पीछे से, ये वाला लास्ट में जब उन्हें छोड़ा था फिर बीच में से, मैं बीच में से रास्ता नहीं था आगे बढ़ने के लिए, फिर हम किनारे से आए थे, फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। अभी मैं जा रहा हूँ इस तरफ नीचे, ठीक है लेट्स गो देयर। मतलब बोट को नीचे उतारने का प्लेटफॉर्म यहीं से होगा, यहाँ पे भी दो तीन बोट खड़ी है। और ये ठीक वो बहुत सारी बोट है यहाँ पे, छोटी डोंगी डोंगा, और इस पर नंबर भी है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है, ऐसे नहीं है रजिस्टर बोट से ये सारे। और यहाँ पे देख रहे हो ना कुछ घरों के वॉल्स पे डिज़ाइन करी है पेंडिंग, फिश ही बनाई हुई है, फिश की आँख, मतलब कितना भी देख पा रहे हैं फिश की आँख है, थोड़ा कलरफुल किया है सी फूड से रिलेटेड। और आगे वही है, यहाँ पे एक बिल्डिंग भी दिख रही है मुझे, ये बिल्डिंग अब पता नहीं, बिल्डिंग का तो पता नहीं अपने को, लेकिन स्लम एरिया देख रहे हो आप, ये पूरा पूरा ऐसे ही है यहाँ से दूर तक। वाह भाई थोड़ी कम हो गई ना, इतना खूबसूरत लग रहा है ये और हवा भी मस्त लग रही है। गाइज ऐसा कुछ था आज का वीडियो, वर्सोवा बीच के पास जो स्लम एरिया था उसे हम कवर करने आए थे, क्योंकि हमने अच्छे से कवर किया है, धूप ज़्यादा होने के बावजूद मैंने वीडियो अच्छे से कवर किया, आपको दिखाने की कोशिश की है। और ये जो पीछे अभी आप देख रहे हो मेरे, यहाँ पे भी मच्छी सूख रही है, जो मैंने आपको थोड़ा आगे दिखाया था वो भी नाम तो पता नहीं मुझे, लेकिन जो भी है मच्छी यहाँ पे सुखाई जाती है, ये बीच का आखिरी छोर है, यहाँ तक मैं आया यहाँ पे वीडियो में करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके उतना शेयर करना। नेक्स्ट